Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to be talking about what September brings you in love. September में आपके love relationship के साथ क्या होने वाला है, अगर आप single हो तो आपके साथ क्या होने वाला है, ये आज हम देखने वाले हैं. आपको free reading करवानी है तो please go ahead and check the description box below. अगर आपको फ्री प्रेयर करवानी है तो अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक करना पड़ेगा. सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एज यू कैन सी दिस आर योर कार्ड्स, दिस आर योर पास्ट एंड प्रेजेंट कार्ड्स एंड दिस आर ऑल अबाउट योर फ्यूचर कार्ड्स. ओके, सो विद द कार्ड्स वी हैव द फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. ओके, एंड इन फ्यूचर पोजिशन वी हैव पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कुछ लोग जो है वो सेपरेशन से गुजर रहे हैं. मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो सेपरेटेड है, उनका ब्रेकअप हो चुका है, दैट्स वाई दे आर सो सैड एट दिस मोमेंट. ओके, और कुछ लोग जो है उनके लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स है, रिलेशनशिप में उनको काफ़ी सारे स्ट्रगल, काफ़ी सारे फाइट्स हो रहे हैं. कुछ लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप में है. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप बट दैट रिलेशनशिप यू थिंक दैट रिलेशनशिप इज़न्ट वर्किंग फॉर यू देन इट्स द टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट रिलेशनशिप. Because I'm getting the vibe that some may be dealing with a person who is extremely dramatic, attention seeker and always playing the victim role. Okay, so if you are in unhealthy relationship but still you are unhealthy relationship में हो और आप उस relationship को छोड़ नहीं पा रहे हो, still you are stuck into that relationship, then now it's the time to move on. You have to take that step, you have to take that big giant step. Okay, और फॉर सम जो रिलेशनशिप में है उनके प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप में ला रहे हैं. इट मीन्स दैट यू आर जजिंग योर करंट पार्टनर विथ योर एक्स पार्टनर, कि मेरे पहले पार्टनर ने मेरे साथ ये करा था तो ये पार्टनर मेरे साथ ये करने वाला है, ये करेगा. सो देर आर लॉट्स ऑफ जजमेंट्स एंड इफ यू हैवंट You haven't still healed from your past relationship. Okay? अभी single लोगों की बात कर लेते हैं. Those who have just separated from this relationship. So, जो अभी अभी separated हुए, जिनका breakup हुआ है, वो new opportunities को explore नहीं कर रहे हैं. They are too busy to feel the sadness of their past relationship. That why this relationship didn't work out. You are thinking about too much. You are overthinking that situation. You are overanalyzing, and overanalyzing doesn't serve you well. Okay? आपके हाथ में से एक अच्छी love opportunity चली गई है अभी अभी. तो अगर आप single हो तो and if you are waiting for somebody to come, but कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये है कि आपकी रिलेशनशिप में ना मटेरियलिस्टिक थिंग बहुत ज़्यादा आ रही है. तो अगर ऐसा प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, छोटे मोटे इश्यूज़ है, तो वो आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए एंड यू हैव टू री इग्नाइट दैट पैशन इन योर रिलेशनशिप. ओके, री इग्नाइट कीजिए वो पैशन को. ओके, अभी तक वो ज़्यादा सीरियसली नहीं है. और अगर आप पास्ट रिलेशनशिप से हील नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ गो आउटसाइड, अपने फ्रेंड्स से मिलिए, अपने लव्ड वन से मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. सो आपको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, अभी फ्यूचर की बात कर लेते हैं. सो व्हाट द फ्यूचर हैव फॉर यू. अगर आप सिंगल हो और आप इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समबडी, If you have crush on somebody, then please go ahead and tell that person that you like them. Okay?
आप विदाउट एक्शन सिर्फ एक जगह पे बैठे रहोगे तो आपको वो पर्सन नहीं मिलने वाला है. सो यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड गो अहेड एंड टेल दैट पर्सन दैट हाउ मच यू लाइक देम. कुछ लोग जो है वो अपने से छोटे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आएंगे. ओके और जो सिंगल है ये भी हो सकता है कि इफ़ यू आर अ सिंगल एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इफ़ यू आर ऑन अ हॉलीडे, देन देर इज़ अ मच मच पॉसिबिलिटी दैट यू विल मीट योर न्यू रोमांटिक पार्टनर वाइल ट्रैवलिंग. ओके अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो और आप कभी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो. कुछ लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाएंगे, सिंगल पीपल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है. और जो पर्सन है वो बहुत ही अच्छा लविंग लवेबल होने वाला है. और कुछ लोग जो है वो शादी में या किसी एंगेजमेंट में, फंक्शन, बेबी शावर में अपने न्यू रोमांटिक लवर को मिल सकते हैं. सो ये बातें आपको ध्यान में रखना है. तो बी ओपन योर हार्ट ओके फॉर दिस न्यू लव एंड एज और जल्द जल्द से जल्द आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से हील करो. ओके दोज आर इन अ रिलेशनशिप. तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो ये हो सकता है कि उनकी रिलेशनशिप एक स्टेप फर्दर जाने वाली है. दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन देयर रिलेशनशिप. इट कुड बी पॉसिबल दैट योर पर्सन इज going to propose you and want a commitment for you for a lifetime commitment. Means it could be a wedding or engagement. और ये भी हो सकता है कि आप अपने partner के साथ abroad घूमने जाओगे या फिर अपने partner के साथ abroad shift हो जाओगे, long distance आप shift हो जाओगे, ये भी हो सकता है. या आप अपने partner के साथ बहुत सारे weddings भी attend कर सकते हो, ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा time spend कर सकते हो. तो overall ये है कि that you have to अगर रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ पहुंचानी है. ओके आप सेलिब्रेशन कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ये भी हो सकता है. और अगर आपने अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की है तो प्लीज़ गो अहेड एंड बताइए उन्हें कि आप उनसे कितना प्यार करती है. यू आर हाउ मच यू लव देम. ओके तो अभी मैंने सिंगल लोगों के लिए बोल दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता दिया कि आपके लव में सितंबर में क्या होने वाला है. सो सितंबर आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आने वाला है. सो गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल. प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट येट एंड प्लीज़ गो हेड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर फ्री रीडिंग्स एंड प्रेयर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Do like this video. Thank you so much.